तो हे दोस्तों, नमस्कार, मेरे स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कैसे आज की इस वीडियो में मैं आपसे साथ बात करने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में, आपका किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, आपको डुअल सेटअप आपको कैसे इनेबल करना है, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कैसे जिसमें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। और हाँ, और एक बात, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होंगी, वरना आपका फ़ोन यहाँ पे बूट लूप पे अटक सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वीडियो पे एंड तक बनी रहना, और यहाँ पे जितने भी मैंने फाइल दिया हुआ है, आप जितने भी मैंने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है उसको देख लो और कुछ पढ़ लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखा भी है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस, देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे बेजान सा स्टेटस बार है, जहाँ पे सिर्फ एक ही रो आपको देखने के लिए मिलता है। डुअल स्टेटस बार मतलब DSB, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में DSB बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही मतलब रो है, यहाँ पे डुअल एक रो हो जाएगा, उसी को हम लोग डुअल स्टेटस बार कहते हैं। और उसको इनेबल करने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका फ़ोन रूटेड होना पड़ेगा, ठीक है, यही एक रिक्वायरमेंट है। और एक रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पे जो नेटवर्क स्पीड है आप दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल डिवाइस में, जैसे कि पिक्सल के जो रोम है उसमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ रोम में, ज़्यादातर रोम में आपको यहाँ पे ये जो नेटवर्क स्पीड है, ट्रैफिक इंडिकेटर, या फिर आप नेटवर्क स्पीड, या फिर जो भी आप बोलो, ये जो डेटा का स्पीड दिखाई दे रहा है, 1 MBPS, 2 MBPS, फिर KBPS, यहाँ पे अपलोड और डाउनलोड स्पीड यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड दिखाई देगा ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ पे डुअल स्टेटस बार अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा। तो गाइस, अभी आपको सबसे पहले तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फाइल डाउनलोड करने होंगे, जिसका मैं अभी एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको दिखाई देता हूँ। तो गाइस, आपको सिंपली DSB में जाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे डुअल स्टेटस बार, मैंने सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, वो वाले मैं भूल गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर रिक्वेस्ट ही करना पड़ता है, सॉरी गाइस, थोड़ा यहाँ पे इशू है साउंड का। सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डुअल स्टेटस बार में क्लिक करना है। तो आपको मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको चैनल लिंक दिया होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारे, आपको सिंपली यहाँ पे नुसंतरा, जैसे कि मेरा अभी मैं नुसंतरा का रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली आपको नुसंतरा का वर्जन भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। तो जल्दी से मैं चलता हूँ सिस्टम में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड 11 वर्जन में मैं हूँ, एंड्रॉयड 11 का जो ये नुसंतरा इसमें हूँ। या आप देख सकते हो कि मी 5 का बिल्ड है, नेक्सस का लेवेंडर, ये इसका ओल्ड कैम मैंने फ्लैश कर रखा है, कर्नल, क्योंकि इसका डिफॉल्ट कर्नल बहुत ही बेकार है और वैसे भी लैग करता है, तो कर्नल चेंज कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिनक्स इन्फोर्सिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो रोम थोड़ा सा स्मूथ मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन गेमिंग के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाय द वे, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये जो मेरा नुसंतरा का वर्जन है, ये 2.9 में यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, यही से आपको सिंपली इस डाउनलोड DSB में क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। तो गाइस, जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का वेबसाइट खोलने को मिलेगा, आपको यहाँ पे फाइल्स में जाना है, प्रोडक्ट नहीं, फाइल्स में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नुसंतरा 2.9 एंड्रॉयड 11 स्टाइल 1 और यहाँ पे स्टाइल 2 दिखाई दे रहा है। अभी ये वाला ध्यान में रखना कि हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग रोम का अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है, अलग अलग DSB देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे, अगर आपका रोम दूसरा है, अगर मान लो आपका AICP है या फिर कोई भी आपका लीनेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लीनेज का यहाँ सर्च करना होगा यहाँ पे इस ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्बस का भी आपको देखने को मिलता है, 16.0 रेमी नोट 8 प्रो के लिए है, ठीक है। तो गाइस, आप सिंपली एक काम करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपली यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे मैसेज कर लो रिक्वेस्ट फॉर DSB सर्च करना है, और यहाँ पे आप कि आपका रोम कौन सा रोम है और कौन सा वर्जन है, फिर कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है, आपको यहाँ पे लिख कर टाइप करके आपको भेज देना है। कुछ ही टाइम बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, अगर होगा तो आपको वहाँ पे सजेस्ट करने का लिंक भेज देंगे, कोई भी डेवलपर हो, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर आपके अटैच है यहाँ पे इस DSB के ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे आपका रोम के बारे में सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स ले लेना है कि कैसे फ्लैश करना है, क्या फ्लैश करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा और आप यहीं से फ्लैश कर सकते हो। तो वैसे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे अभी कोई भी DSB मैंने डुअल स्टेटस बार को यहाँ पे इनेबल नहीं कर रखा है, देख सकते हो टाइम यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेटवर्क एकदम सीधा सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सिंपली अभी आपको यहाँ पे फ्लैश करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैजिक्स में जाना होगा, ठीक है, रूट तो करना होगा, ये आपको पता है, आपको सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जाना है, ठीक है। इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो DSB जो कि आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे फ्लैश कर देना है। तो मैं सिंपली फ्लैश कर देता हूँ, तो मैंने नुसंतरा का यहाँ पे देख सकते हो 2.9 यहाँ पे दिखा है। तो इसको फ्लैश करने के बाद कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे आपको वेट करना होगा, तो कुछ देर
तो गाइस कुछ देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा यहाँ पे रिबूट का। जब बटन आ जाएगा आपको सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली एक और एक मॉड्यूल फ्लैश करना होगा जो कि DSB एड ऑन है, ठीक है। ये वाला हर एक चीज़ के लिए आपको फ्लैश करना होगा। अगर कोई भी डिवाइस में हो, ये एक ही फाइल है, इसको सिंपली फ्लैश करना है, ठीक है। उसके बाद आप जिस रोम का ये DSB फ्लैश करें, उसके बाद आपको सिंपली ये DSB का एड ऑन इसको फ्लैश कर देना है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये एड ऑन क्या करता है, ये आपका जो स्टेटस बार ड्यूअल स्टेटस बार है ना, उसको जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर है और यहाँ पे डेट और टाइम है, इसको सिंपली कलर कर देगा। तो मैं सिंपली कलर भी आपको बाद में करके दिखाऊंगा, बाद में फ्यूचर में और भी कलर्स ऐड होते रहेंगे। तो गाइस आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप DSB के चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली एक बार रिबूट कर देना है अपने डिवाइस को। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ्लैश स्क्रीन को यहाँ पे फ्लैश कर रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी का नोट 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी रेडमी का लोगो नहीं आएगा। तो गाइस इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा इन फ्यूचर वीडियो में, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो थोड़ा। तो गाइस फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ड्यूअल स्टेटस बार है वो इनेबल नहीं हुआ है। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा, यहाँ पे आपको एक ऐप सर्च करता हूँ आपको, वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो गाइस टर्मिनल इमुलेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है, यह आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले सुपर यूज़र को अलाउ करना होगा, आपका जो मैजिक स्काई है उसको सिंपली यहाँ पे SU टाइप करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसे एंटर करोगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपका जो वो रूट का जो मैजिक्स का जो ये परमिशन है उसको अलाउ कर देना है, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है DSB। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने DSB को टाइप कर दिया है, आप सिंपली इसको यहाँ पे कर दो, और जैसे आप करोगे आपको यहाँ पे DSB एड ऑन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड कलर टू क्लॉक, ऐड कलर टू नेटवर्क ट्रैफिक। तो मैं सबसे पहले तो 1 पे क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर पे है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारे कलर्स। तो वैसे आप, मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड का कर दूंगा। तो रेड के लिए आपको 2 प्रेस करना होगा, तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर देता हूँ, 2। तो आप देख सकते हो मैंने 2 प्रेस कर दिया। यहाँ पे आपको फिर से इस एंटर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्टेड कलर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो वैसे आपको सिंपली बैक में जाने के लिए बी में क्लिक करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बी में क्लिक कर देता हूँ, आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो फिर से आप इसी स्क्रीन में आ जाओगे। अभी आपको यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसका कलर चेंज करना है। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे 2 में क्लिक कर देना है फिर से, और 2 में क्लिक करके इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो अभी आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिर से कलर बहुत सारे आएंगे, तो आपको सिंपली यह आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है इसको सिंपली आपको कलर चेंज करना है। तो गाइस इसके लिए मैं सर्च करूंगा, तो गाइस इसके लिए मैं सिंपली फिर से रेड दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे 2 लिख के मैं यहाँ पे जल्द से एंटर कर देता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन XD, सिलेक्टेड कलर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको ग्रीन वाला जो ये पोर्शन आपको दिखाई देना चाहिए, फिर आपको बी में जाना है, फिर आपको 5 में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मॉड्यूल क्लोज हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इस क्रॉस वाले आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लोज द विंडो ओके कर देना है। करने के बाद आपके फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। तो मैं जल्दी से रिबूट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने बहुत कलर वाले कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कलर अप्लाई हो चुका है। और दूसरे आपको यहाँ पे सिंपली DSL स्टेटस बार को इनेबल करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक के सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका यहाँ पे लोकेशन है ये आपको स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे क्विक एस यहाँ पे हेडर देखने को मिलेगा, या फिर क्विक सेटिंग्स हेडर, या फिर कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको सिंपली QS हेडर में क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे कितनी आसानी से आपको मैंने यहाँ पे फ्लैश करके बता दिया, मतलब यहाँ पे आपको डुअल स्टेटस बार को इनेबल करके बता दिया, ठीक है। तो इसको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अलग सा लग रहा है आपको, और आप दोस्तों के सामने जैसे ही आपका फ़ोन खोलोगे तो आपको आपके दोस्त बोलेगा कि भाई ये क्या कर दिया भाई, एकदम ही बेजान सा फ़ोन को एकदम जान डाल दिया तूने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं न्यूसंतरा के इस रोम में हूँ, और रोम भी बहुत ही मस्त, मतलब सही दिखता है आपको देखने के लिए, बहुत ही अच्छा मिलता है इस रोम को, आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे में अगर आपको गेमिंग के लिए आपको मतलब चाहिए तो आप लीजियन OS का यूज़ कर सकते हो, लीजियन OS वर्जन 3.8 अनऑफिशियल जो कि थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ था। तो गाइस उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ही मतलब गेमिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है, मैं उसको सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डुअल स्टेटस बार को इनेबल कर लिया है, ठीक है। और एक बात, अगर आप कोई भी दूसरा कुछ DSB, जैसे कि मान लो मैं नुसंतरा में हूँ और मैं यहाँ पे लीजियन OS को फ्लैश कर रहा हूँ, तो गाइस मेरा यहाँ पे बूट लूप हो जाएगा। तो गाइस बूट लूप कैसे फिक्स करना है उसका वीडियो मैंने इस आई बटन में दे रखा है, आप जाके सिंपली इस आई बटन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।